गाइस, अगर आप YouTube पर आएंगे और सर्च करेंगे स्टडी ब्लॉक्स तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। देखो, ये 16 घंटे पहले डाली 9.9 के व्यूज़, 15 घंटे पहले डाली 16,000 व्यूज़, देख रहे हो सर्च में जा रही है। ये देखो, 14 घंटे पहले 8.3 के, प्रगति से ये कोई है भाई, बहुत बड़ा चैनल है। देखो, 7 दिन पहले डाली 1,12,000 व्यूज़। इनके मैं चैनल पर जाता हूँ, जैसे कि प्रगति श्रेया, ठीक है, इनके टोटल देखो 1,64,000, लगभग बोल सकते हो 1.5 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और ये स्टडी ब्लॉग्स बनाती हैं, ठीक है, सुबह से शाम तक ये पढ़ाई लिखाई करती हैं, क्या करती हैं यही इनकी वीडियो में रहती हैं। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा चलती है, देखो स्टडी विद मी, ठीक है, देखोगे वो पढ़ाई करती हैं, वीडियो शूट करती हैं, कहने का मतलब है पूरे दिन ये जो कुछ भी करती हैं वो सारा खास शूट कर लेती हैं एंड यूट्यूब पर अपलोड कर देती हैं। अब लोग इनको देखते कौन है, स्टूडेंट वगैरह देखते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो पढ़ रही होती हैं इस तरीके से, तो उनसे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ मैं भी पढ़ना है इस तरीके से। राइट, ये पूरे दिन क्या करती है, सारी वीडियो डालते हैं, भाई व्यूज़ देखो 2,15,000, 70,000, 2 लाख, समझ रहे हो, मतलब लाखों में व्यूज़ आते हैं। आप इस तरीके की वीडियो किस तरीके से शूट कर सकते हैं स्टडी ब्लॉग्स, आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैंने भी एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था स्टडी का, ठीक है, कुछ इस तरीके का मैंने भी बनाया था, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा। मैंने ये कैसा शूट किया था आज किस वीडियो में लाइव आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट्स बनाया था, इंस्टाग्राम रील्स बनाई थी, बट ऐसे आप लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं। और क्या दिक्कत है भाई, तुम पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ते रहो और साथ में वीडियो भी शूट कर लो, अपलोड कर दो, लाखों व्यूज आएंगे, पैसे कमाओगे, क्या दिक्कत है। नाच रहे हो तो नाचते रहो, साथ में शूट भी कर लो, क्या दिक्कत है, अपलोड कर दो, पैसे कमाओ। बस शूट कैसे करते हैं आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा, उसके बाद अगर आपको सीखना होगी एडिट कैसे करते हैं लोग तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो बने ना एंड तक, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, आइए शुरू करते हैं। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके का ट्राईपोड चाहिए होगा, ठीक है, ये मैंने 800 रुपये का भी रिसेंटली खरीदा था। और ये देखो, मैंने कुछ इस तरीके से इसको कर रखा है, ठीक है, ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से इसमें इस तरीके से लगा के मैं यहाँ पर शॉर्ट्स बनाता हूँ रील्स, जो कि वर्टिकल होता है। वहीं पर अगर लॉन्ग वीडियो बनाना हो तो लॉन्ग वीडियो को जिस तरीके से बनाएंगे तो उसको मैं तब ऊपर कर लूंगा, ठीक है। तो वो मैंने शॉर्ट वीडियो कैसे बनाया था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जहां पे भी बैठते हैं टेबल वगैरह पे, ठीक है, वहां पर जाना है, ट्राइपॉड को किस तरीके से सेट कर लेना है, एक प्रॉपर एंगल निकालना पड़ेगा आपको, राइट, यहां से आपको देखना पड़ेगा किस तरीके का एंगल आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर करो, नीचे करो, इधर घुमाओ, उधर घुमाओ, जहां से अच्छा एंगल आ रहा है वहां पर आपको उसको रोक लेना है, फोन इसमें लगा देना है, ठीक है। मैं लगा के आपको दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लाइव लगा दिया, अब मैं इसको देखता हूँ अच्छा एंगल किस तरह, देखो ये एंगल मस्त आ रहा, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जाऊंगा वहां पे कुर्सी पे बैठूंगा और यहाँ पे काम करने लग जाऊंगा, ठीक है, लगभग 4-5 मिनट इस तरीके से मैं काम करूंगा शूट। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका एंगल चेंज करूंगा, एंगल कैसे, इसको मैं कुछ इस तरीके से उठा के अब इस एंगल पे शूट करूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे मोबाइल लगा दूंगा और कुछ इस एंगल पे मैं इस तरीके से शूट करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, ट्राइपॉड को उठा के मैं लाया इधर साइड और इस बार इस वाले एंगल से शूट करूंगा, ठीक है। तो ये चारों तरफ से एंगल बन जाएगा पूरा का पूरा मस्त, ठीक है, सुनो कुछ इस तरीके का, उसका कुछ ऐसा ऐसा, राइट। इस तरीके से आप स्टडी ब्लॉग शूट कर सकते हो, और आप वहां पर क्या लिख रहे हो अगर आपको वो भी शूट करना है ना, लाइक बहुत सारे लोग मैंने देखे वो दिखाते हैं सब कुछ, वो क्या लिख रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ वो आप कैसे कर सकते हो। ये ट्राइपॉड है ना, ये बिल्कुल आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपको बिल्कुल नीचे की तरफ रखना होगा इस तरीके से, और यहाँ कुछ इस तरीके से मैं मोबाइल को एडजस्ट करके रख दूंगा। अब यहाँ जहाँ कीबोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं ये कॉपी रखूंगा और इस पर जो भी लिख रहा हूँ वो सारी चीज यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे ट्राई करो, यहाँ पे भी आप रख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ट्राइपॉड करके इस एंगल पे भी आप शूट कर सकते हो। अलग अलग एंगल पे आपको देखना पड़ेगा किस साइड से वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही, और सभी एंगल को आप बाद में एडिट करके एक साथ मर्ज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्टडी ब्लॉग्स शूट कर सकते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है, जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, साथ में शूट भी करते जाइए और यूट्यूब पर अपलोड करते जाइए। अब इसको एडिट कैसे कर सकते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।